इसमें कैदी और कोकिला, इसमें आप देखिए हमने आपको कैदी और कोकिला के अंतर्गत आपको बताया। इसमें इसका माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन, रचनाएं, पाठ का परिचय, भावार्थ, प्रसंग, संदर्भ और शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य, इस प्रकार से आपको ये बताया। इसमें फिर आपको हम प्रश्नोत्तर बता रहे थे, इसी के अंतर्गत कुछ प्रश्नोत्तर और शेष हैं, उनको आप देखें। अब हम देखते हैं काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट करना। काव्य सौंदर्य स्पष्टता के अंतर्गत यहाँ पर दो पंक्तियाँ विशेष रूप से दी गई हैं। इन पंक्तियों में किस दावानल की ज्वालाएँ हैं देखी, एक ये है। दूसरा, तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रण घेरी। ये यहाँ दो पंक्तियाँ दी गई हैं। इन पंक्तियों में हम सबसे पहले पंक्ति के विषय में देखते हैं कि उसका क्या भाव है। ये हमारी पहली पंक्ति है, इसमें देखते हैं इस पंक्ति में जेल में हो रहे अत्याचारों को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। अत्याचारों को दावानल की ज्वालाएं
रावण की ज्वालाएं कहा गया है ब्रिटिश जेलों की असहनीय। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं और अत्याचारों के लिए अत्याचारों के लिए यह उपमान बिल्कुल उचित है। इस पंक्ति में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। अलंकार है प्रश्न शैली के प्रयोग के कारण प्रयोग के कारण यहां प्रश्नालंकार का प्रभावशाली प्रयोग है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बता दिया, ये हमारी पंक्ति है कि किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी। इस पंक्ति में जेल में हो रहे अत्याचारों को दावा नल की ज्वालाएं कहा गया है, ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं और अत्याचारों के लिए यह उपमान बिल्कुल उचित है। इस पंक्ति में रूपक और अनुप्रास अलंकार हैं, प्रश्न शैली के प्रयोग के कारण यह प्रश्न प्रश्नालंकार का प्रभावशाली प्रयोग है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं। तेरे गीत कहाँ भी बाहर रोना भी है मुझे पुनः
देख विषमता तेरी मेरी, तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। ये वो हमारा कि तेरे गीत कहानी बाहर रोना भी मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये हुआ हमारा दूसरा। कवि ने जेल में बंद स्वयं की पीड़ा, तुलनात्मक वर्णन किया है। कोयल की मधुर कूक सुनकर सब वाह वाह करते हैं। जबकि कवि का रोना भी अपराध माना जाता है। कोयल युद्ध का बिगुल बजाने वाली है। ऐसा कर वह संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। यहां कोयल का मानवीकरण,
मालवीकरण प्रभावशाली बन पड़ा है। भाषा सरल सुंदर सहज सहज है। तेरी मेरी में अनुप्रास अलंकार है। भाषा में संगीतात्मकता भाषा में संगीतात्मकता लयात्मकता और प्रवाह है। इसमें ये बताते हैं कि तेरे गीत कहाँ में वाह रोना भी मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि ने जेल में बंद स्वयं की पीड़ा और कोयल की मधुरतान का तुलनात्मक वर्णन किया है। कोयल की मधुर कूक सुनकर सब वाह वाह करते हैं, जबकि कवि का रोना भी अपराध माना जाता है। कोयल युद्ध का बिगुल बजाने वाली है, ऐसा कर वह संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। यहां कोयल का मानवीकरण प्रभावशाली बन पड़ा है। भाषा सरल है, सुंदर है और सहज है। तेरी मेरी शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। यहां भाषा में संगीतात्मकता विद्यमान है, लयात्मकता विद्यमान है और प्रवाह दिखाई देता है, वह भी यहाँ पर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर तेरी मेरी में अनुप्रास अलंकार, भाषा में संगीतात्मकता, लयात्मकता और प्रवाह, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ। अब रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम आगे देखते हैं।
इसमें कवि झील के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा। इसमें इन्हें ये भी सुनाई देता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है इसमें हम आगे कल देखेंगे। आज इतना ही।